हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बैकरम जी के ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 2022 की TVS की, बल्कि 2023 मॉडल भी अगर आप बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कलर है, न्यू ग्राफिक है। तो TVS की एक्सल 100 कम्फर्ट, ये बाइक कंफर्टेबल भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये कम्फर्ट है तो कम्फर्टेबल रहेगी ही। और ये जो है बिल्कुल ऑन रोड प्राइस, फाइनेंस प्राइस, EMI सारी डिटेल्स और फुल रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहेगा। और न्यू अपडेट जो हुए हैं, न्यू फीचर, सारी डिटेल्स आपको इंजन साउंड के साथ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, माइलेज के साथ। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो सुपर एक्सल जो पहले आती थी, आज के लगभग 5 साल पहले अगर देखा जाए, उसमें और इसमें अगर आप एक बार देखोगे तो बहुत ही ज़मीन और आसमान का अंतर आपको यहाँ पर दिखने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस बाइक में देखोगे तो एक नया स्टिकर यहाँ पर मिलेगा, फ्रंट प्रोफाइल का जो बिंड है, क्या बात है। इसमें देखिए तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स हुआ है, इस तरह से ये लुक जो है ये बहुत ही अच्छा लुक कर दिया है। बाकी यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग और यहाँ पर हेलोजन बल्ब जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बल्ब वाले हैं। और यहाँ पर आपको DRL लाइट भी मिल जा रही है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों। और ये बाइक बुकिंग है तो यहाँ पर सिंगल हर पहारन है, ये भी स्टिकर भी लगा हुआ है। ये पूरा लोहे का है, मेटल का है, इसमें लोहे का राड भी यहाँ पर सेफ्टी के लिए दिया है, तो मजबूती में काफ़ी अच्छा। टेलीस्कोपिक सस्पेंस है जो कि आयल डंपर है। और इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता, 2/50/16 का इसका जो साइज़ है। और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है दोस्तों, जो कि 130 mm अप्रॉक्स है लगभग। और इसमें जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे, यहाँ पर देखिए वाइजर भी सामने जो है प्लास्टिक लगाया गया है, ताकि अगर बाइक कहीं लड़े कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पर डेंट ना आए, स्क्रेचेस ना आए। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकिंग और सारे सिस्टम, कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। रिफ्लेक्टर भी अब इसमें आ गया है, देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट हुआ है। यहाँ पर भी मजबूती दी गई, यहाँ से जोड़ा गया है, रबड़ भी पीछे लगा है ताकि धूल कचरा इंजन पर ना जाने पाए आपके। तो टायर जो है काफ़ी अच्छे हैं, और ये जो है अभी अलॉय व्हील में नहीं आई है, तो अगर अलॉय व्हील में आएगी तो अभी वो वीडियो आपको मिलेगी। अब इसका इंडिकेटर आप देखोगे तो मैं जला के दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको इंडिकेटर इसमें मिल जाता है। और ये जो TVS का स्टिकर है चमकता भी है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर लुक। और ये जो है क्रोम फिनिशिंग आपको मिल जाता है, और बिल्कुल 2023 मॉडल, एक मोबाइल चार्जिंग वाली है। और इसमें आपको मैं दिखाता भी हूँ, तो यहाँ पर ये रही आपके मोबाइल चार्जिंग का फीचर, देखिए इसमें मोबाइल चार्जिंग का फीचर दिया है। और लो फ्यूल वार्निंग भी दे दिया है, यानी कि पेट्रोल कम होगा तो बताएगी। और यहाँ पर इग्निशन आप देख सकते हो इस तरह से, और पासिंग बटन, और उसके बाद यहाँ पर स्पीड आपका बताएगा जो कि क्रोम फिनिशिंग पर है। तो नया डैशबोर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा काफ़ी अच्छे फीचर के साथ, और बिल्कुल ये चीज़ जो है काफ़ी मस्कुलर लग रहा है। यहाँ से लाइट ऑन ऑफ करने का सारा सिस्टम है, इंडिकेटर हॉर्न है, और यहाँ से बाइक स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको दबा के, ये क्लच है, इसको दबाएंगे तो उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट करेंगे बाद में 5 लीटर पेट्रोल आएगा। TVS की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग और एक नया स्टिकर यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर वाइजर भी दिया है ताकि ये जो है सेफ्टी है, जंग इसमें ना लगे। ये बहुत ही बढ़िया, यहाँ से हैंडल लॉक हो जाता है आपका, तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो लाजवाब फीचर है इस तरह से। और हाँ, देखिए जो अपाचे में बहुत स्पोर्ट बाइकों में फीचर मिलता है वो आपको इस बाइक में मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से आप बाइक स्टार्ट भी कर सकते हो, ये स्टार्ट हो गई, और यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो यहीं से, ये फीचर बढ़िया है। अब इसकी लाइट भी आप देख सकते हैं इस तरह से, तो लाइट भी काफ़ी अच्छी है। और इंजन आप देख सकते हो ये चल रही है, ये देखिए, मतलब इसमें गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही रहती है, इसे एक्सेलेरेटर लो बाइक भागेगी। तो ये जो है अब इंजन भी इसमें 100 cc का कर दिया, पहले कम था तो अब इसका इंजन का cc बढ़ा दिया गया है। एक्सल 100 कंफर्ट बना दिया इसको। ETFI की टेक्नोलॉजी भी आपको इस बाइक में मिल जाती है, और किक और सर्फ दोनों स्टार्टिंग मिलेगा, यानी कि बटन से और किक से दोनों स्टार्टिंग रहेगा। और काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इसमें मिलता है, और स्टेनलेस स्टील का लेग गार्ड आपको इसमें, नया मॉडल का लेग गार्ड मिलेगा। यहाँ पर एयर फिल्टर भी दिया गया है। तो बाइक का जो इंजन है इसमें पिकअप और परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ा के माइलेज भी बढ़ा दिया गया है। तो माइलेज अब इस बाइक में आपको लगभग 60+ का मिल जाएगा, और बीच में आप क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा, कोई भी चीज़ बीच में आप रख सकते हैं, गैस सिलेंडर होगा या कोई लगेज हो गया, आराम से यहाँ से आपका ओपन होगा, तो ये भी टूल किट का वो है। और सीट आप देखोगे तो डुअल टोन का मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी प्रीमियम सीट है लेदर की। और पीछे का जो है आर्म, ये जो है रेस्ट लगा हुआ, पीछे जो बैठेगा उसको सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, जिसमें मजबूती यहाँ से ऐड किया गया है, बैक रेस्ट जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पाइनर पर ये सारा जो है मेटल का है, ये फाइबर, ये मेटल, तो ये जो है काफ़ी अच्छा, पर मजबूती भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये जो है बिल्कुल लोहे का है, पूरा मेटल का है ये। और इसके बाद इंजन तो देख लिया, माइलेज भी देख लिया, किक सेल्फ दोनों स्टार्ट। अब पीछे के टायर्स को मैं आपको दिखा दूं, तो TVS का टायर इस पीछे भी मिलेगा, जिसका साइज़ जो है वो आपको SI प्रमाणित मिलेगा, 2/50/16 का सेम टायर है। इसमें भी आपको वही ड्रम ब्रेक, आपको फ्रंट और रियर दोनों सेम मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आप सस्पेंशन देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, जो कि 1, 2, 3, 5 स्टेप एडजस्टेबल है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इस बाइक में आपको स्प्लेंडर एचएफ डिलक्स में ऐसा फीचर नहीं मिलता, और स्प्लेंडर में 5 स्टेप मिलता है, तो इस बाइक में भी आपको ये फीचर मिलता है, ये आप सोचिए। तो टीवीएस की स्पोर्ट में भी और इसमें स्टार सिटी में जो फीचर है 5 स्टेप एडजस्टेबल, वो सिस्टम आपको इसमें मिलता है। और फुटेज आप देख सकते हो, ये जो है पैर रखने वाला काफ़ी चौड़ा दिया गया है, और साइलेंसर पर देखिए ये न्यू डिज़ाइन आपको मिलेगी। तो 2023 मॉडल में कुछ ना कुछ अपडेट दिखेगा ही आपको। तो मोबाइल चार्जिंग हो गया, पीछे का यहाँ पर आपको टेल लाइट वाला जो है बल्ब वाला टेल लाइट मिलेगा, इंडिकेटर भी आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा पीछे, ये भी लोहे का है, और ये पूरा फीचर देख सकते हो इस तरह से ये बाइक दिखेगी। अब इस साइड से चैन कवर, तो इस बाइक में आपको फाइबर कप दे दिया है कंपनी ने, और इधर भी आप देख सकते हो काफ़ी चप्पे रखने वाला है, और साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है इस बाइक में, साइड स्टैंड लगाएंगे तो बाइक बंद हो जाएगी। आई टच स्टार्ट है, यहाँ पर ब्रांडिंग है एक्सेल 100 कम्फर्ट, इस साइड से भी आप देख सकते हो, तो काफ़ी जो है ज़बरदस्त बाइक है, काफ़ी अच्छे लुक भी आ जाते हैं इस बाइक में। और यहाँ पर 100 रिड्यूसर है, यहाँ से भी आप कोई चीज़ टांग सकते हैं, देख सकते हैं ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बढ़िया टांग सकते हो। तो बाइक कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बाइक की जो है अगर ऑन रोड हम प्राइस की बात करें तो 67,000 हो गए, 64 से 67,000 हो गई है, और 488 यानी 67,488 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आपको ये कैसी बाइक चाहिए जिस पे आप अगर बिजनेस करते हैं कोई भी अगर आप, तो लादने के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ, फाइनेंस प्राइस की हम बात करें तो 20,000 डाउन पेमेंट देकर आप ले सकते हो, 15,000 भी दे सकते हो लेकर, और उसके बाद जो है 2,000 का कम से कम EMI आपका आएगा 36 महीने का, और बाकी 10,000-15,000 देने के बाद, तो इस तरह से बहुत ही कम EMI आएगा, और डाउन पेमेंट है 10,000 से ऊपर आप जो भी चाहें दे सकते हो फाइनेंस प्राइस। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।